दोस्तों, अगर आपका पूरा शरीर नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी नहीं बनी है आपकी, लेकिन अगर आपके हाथ चौड़े हैं तो आपका शरीर देखने में मस्कुलर लगता है। ये एक ट्रेंड चला आ रहा है, जहां पे भी आप लोग देखोगे तो लोग अपने हाथों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैं बार बार आपसे ये बोलता हूं कि अगर आप लोग कोई भी कपड़ा पहनते हो, कोई भी टी शर्ट पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, तो अगर आपके हाथ चौड़े होते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपको मस्कुलर लुक देते हैं। तो उस मस्कुलर लुक को पाने के लिए कैसे आप अपने हाथों को जल्द से जल्द चौड़ा बना सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि देखो, अगर आपको हाथ को अपने चौड़ा करना है तो केवल अपने बाइसेप पे फोकस मत करना। केवल बाइसेप बड़ा करने से हाथ चौड़ा नहीं होने वाला है। इसके लिए आप लोग अपने ट्राइसेप, आप लोग अपने बाइसेप और उसके साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने फोरआर्म मसल्स को ट्रेन करना है। मतलब ये तीनों मसल्स को जब ट्रेन करोगे तब आपका ओवरऑल हाथ चौड़ा होगा। तो बात करेंगे एक्सरसाइजेस की। सबसे पहले ये समझ लो कि भाई हमारी मसल्स बनती कैसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं जानोगे, बाइसेप को, ट्राइसेप को, फोरआर्म को सही से फोकस नहीं कर पाओगे। क्या होता है, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो देखो, हमारे मसल फाइबर कुछ इस तरीके के होते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में होते हैं, और इन मसल फाइबर को हमें तोड़ना होता है। जब इन्हें तोड़ोगे तभी शरीर इन्हें और जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद में उसे और बड़ा बनाएगा, तभी हमारी मसल्स बनेगी। अब यहां पे ये समझना होगा कि जब हम घर पे वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास में ज्यादा वजन नहीं होता है, और जब ज्यादा वजन नहीं होता है तो हमें इन फाइबर को कैसे तोड़ेंगे हम। मतलब ज्यादा वजन से इस फाइबर को तो आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन कम वजन से तोड़ने का तरीका होता है कि आप लोग ज्यादा रिपीटेशन लगाओ। मतलब अगर बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो 25-30 रिपीटेशन लगाओ, तभी आपका वो फाइबर टूटेगा और तभी वो अच्छे से बड़ा बन पाएगा। एक्सरसाइज की बात करेंगे, सबसे पहले हम नीचे हाथ से बात करेंगे, मतलब अपनी कलाई को कैसे चौड़ा करें, फिर अपने फोरआर्म को कैसे चौड़ा करें, फिर अपने ट्राइसेप को कैसे चौड़ा करें, फिर अपने बाइसेप को कैसे चौड़ा करें। तो लाइन से हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने जो हमारी जो कलाइयां हैं उन्हें कैसे चौड़ा करें। इसके लिए आप लोग जो वर्कआउट करोगे वो हम लोग करेंगे नकल पुशअप। इस तरीके से करते हैं, अपनी मुट्ठियों को बंद करके और जमीन पर इस तरीके से रख के इस तरीके से नकल पुशअप किया जाता है। कलाइयों को बहुत तेजी से ये चौड़ा बनाता है। इस एक्सरसाइज को जितनी देर परफॉर्म करना, जितने सेट ज्यादा से ज्यादा निकाल पाना, उतना आप लोग को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपने फोरआर्म मसल्स के लिए। कलाई की बात हो गई, फोरआर्म को कैसे चौड़ा करें। बार बार बोलता हूं, फोरआर्म चौड़ा होगा तो कोई और जो भी एक्सरसाइजेस करते हो उन सभी में मदद मिलती है, और फोरआर्म चौड़ा होता है तो जब हम अपने स्लीव्स ऊपर करते हैं तो वो जो बड़े बड़े फोरआर्म्स हमें दिखते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा लुक देता है। तो आपको फोरआर्म को कैसे चौड़ा करना है, आप इसके लिए कर सकते हो फोरआर्म पुशअप। इस तरीके से अपने हाथों को जमीन पर रख के और इस तरीके से पुशअप लगाने की कोशिश करनी होती है। जितने ज्यादा से ज्यादा पुशअप लगा पाओगे उतना ही तेजी से आप लोग का फोरआर्म मसल चौड़ा बनेगा। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड आपको लग सकती है, लेकिन समय के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में आप लोग इसके अच्छे से ज्यादा सेट निकाल पाओगे, ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन निकाल पाओगे। कम से कम 3 सेट तो परफॉर्म करना ही करना, और इसमें हर सेट में अगर 20-25 रिपीटेशन निकाल ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा नीचे का पोर्शन हो गया हाथ का। अब हम बात करते हैं ऊपर के पोर्शन की, हमारे बाइसेप मसल्स की। बाइसेप के लिए एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जो किसी ने आप लोग को इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं बताई होगी। और ये वर्कआउट करके अपने घर पे ही आप लोग अपने बाइसेप को चौड़ा कर सकते हो, अपने हाथों को चौड़ा कर सकते हो। क्या करना है, आप लोगों को एक रोप लेनी है, और उस रोप को, मतलब रस्सी लेनी है, और रस्सी से आप लोगों को करना है केबल्स कर्ल। जैसे जिम में आप लोगों ने देखा होगा जो केबल वाली मशीन होती है, उसमें लोग केबल कर्ल कुछ इस तरीके से लगाते हैं, यही चीज हम अपने घर में लगाएंगे और वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे, हम किसी भी रस्सी को, मोटी रस्सी लेना, और उसको आप लोग किसी भारी चीज में बांध लेना, और कुछ इस तरीके से बाइसेप कर्ल को परफॉर्म करना। अगर आप लोग चाहो तो इस एक्सरसाइज को सिंगल हैंड, मतलब एक हाथ से भी कर सकते हो, एक हाथ वाला भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपके फोरआर्म को भी ये टारगेट करता है, साथ में आपके बाइसेप मसल्स को भी टारगेट करता है। इस तरीके से इसको लगाना होता है। जितना ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा वजन उठाओगे उतना ज्यादा आप लोग का हाथ चौड़ा बनेगा। ये हो गई बाइसेप की एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगा, इसमें भी हमें रस्सियों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोग चाहो तो एक रस्सी खरीद लो, ये रस्सी आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस में काम आने वाली है। मोटी रस्सी होगी, उसको किसी चीज पे ऊंचाई पे बांध देना और इस तरीके से बाइसेप वाली एक्सरसाइज करना। क्या होगा, इससे आपके बाइसेप मसल्स तो चौड़े होंगे, बैक के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप लोग देखे होंगे जो भी कर्लिंग वाले मूवमेंट्स
होते हैं वो इस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। और जो भी आप लोगों ने जिमनास्ट देखे होंगे, जो जिमनास्टिक परफॉर्म करते हैं, उनके बाइसेप बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं। उसका रीजन यही होता है कि वो लोग रस्सियों पे बहुत सारे वर्कआउट करते हैं। तो केवल रस्सियों पे वर्कआउट करके अपने शरीर को ट्रेन करना है तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके से बाइसेप कर्ल करोगे, बहुत तेजी से आप लोग के बाइसेप मसल्स ट्रेन होंगे। नेक्स्ट अपनी मसल्स की हम बात करते हैं। ये मसल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोल चुका हूं, अगर आपको अपने हाथों को चौड़ा करना है तो ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करना जरूरी है। सबसे बड़ा मसल्स होता है हमारे हाथों में। ट्राइसेप के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज हम करेंगे जो कि बोलते हैं ट्राइसेप डिप्स। इसमें हमें क्या करना होता है, डिप्स लगाने होते हैं। ट्राइसेप डिप्स कुछ इस तरीके से, अपने घर में किसी बेंच पे, किसी चेयर पे, किसी ऊंची चीज पे आप लोग को कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन निकालना। बार बार ये बोल रहा हूं, घर पे वर्कआउट करते हो, मसल फाइबर को ब्रेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन लगाने की कोशिश किया करो। कम से कम 15 से 20 तो मिनिमम रिपीटेशन आपको इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज होगी, वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज मेरी ये है, क्योंकि इसमें हमारी चेस्ट भी ट्रेन होती है और हमारे ट्राइसेप तो ट्रेन होते ही है, जो कि है डायमंड पुशअप। बहुत बार बता चुका हूं कि डायमंड पुशअप किस तरीके से लगाया जाता है। अपने दोनों हाथों को एकदम नजदीक लेके आओ और इस तरीके से डायमंड पुशअप आप लोगों को परफॉर्म करना है। डायमंड पुशअप चेस्ट मसल्स के लिए, ट्राइसेप मसल्स के लिए, दोनों के लिए ही वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। आपके हाथों को चौड़ा करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखो, आप लोगों को मैंने 6 एक्सरसाइजेस बताई, इन 6 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके आप अपने पूरे हाथ को चौड़ा बना पाओगे। सबसे जरूरी चीज ये ध्यान रखनी है कि इन एक्सरसाइजेस को कब कब परफॉर्म करना है। जो भी एक्सरसाइज आप लोग करना, कम से कम एक दिन का गैप देना अगली बार उस एक्सरसाइज को करने से पहले। मतलब आप लोग एक इस एक्सरसाइज को मंडे को करोगे, ये 6 एक्सरसाइज बताई, इन सभी को मंडे को परफॉर्म करोगे, ट्यूसडे आप लोग ले लोगे गैप, उसके बाद आप लोग वेंसडे को परफॉर्म करोगे, फिर थर्सडे गैप ले लोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे परफॉर्म करोगे। हर ऑल्टरनेट डेज अगर आप लोग इस तरीके से वर्कआउट करते हो तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि 30 डेज के अंदर में जो आपके हाथों का साइज होगा ना, वो और किसी से बहुत ज्यादा होगा। जो नॉर्मल साइज आप लोग के हाथों का था, वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, वेन्स आप लोग के हाथों में दिखने लगेगी और आपका पूरा ओवरऑल हाथ काफी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। 30 डेज ये चीजें ट्राई करके देखो। इन सभी चीजों के साथ में प्रोटीन की मात्रा अपने फूड में बढ़ा देना। कोई भी चीज ऐसी जो भी घर में बन रही है या जो भी हाई प्रोटीन वाले फूड है, उनको लेना शुरू कर देना। थोड़ी सी अपनी डाइट बढ़ा देना। डाइट बढ़ा दोगे तो जो एनर्जी चाहिए, जो फ्यूल चाहिए हमारे बाइसेप्स को, हमारे हाथों को चौड़ा होने के लिए, वो हमें मिलती रहेगी खाने से। तभी आपके हाथों की सारी मसल्स तेजी से ट्रेन होंगी। रेस्ट का भी ध्यान रखना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना, तो आप लोग को देखोगे कि केवल 30 डेज में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आप लोगों को मैंने ये बता दिया पूरे हाथ का वर्कआउट। ऐसे ही और वर्कआउट वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को देखो स्क्रीन पे 3-4 वीडियोस दिख रहे होंगे। जो वीडियो मन कहे, जिस मसल्स को ट्रेन करना है, उस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट यहीं से उस वीडियो को देख सकते हैं।